तो गाइस आज हम बात करेंगे एमगेट की तरफ से आने वाले ईवो फॉक्स कीबोर्ड की, जो कि एक स्मॉल साइज्ड कीबोर्ड है और जो काफ़ी अच्छी तरीके से आता है। और आप इसका बॉक्स देख सकते हैं, बॉक्स की जो भी डिटेल्स वगैरह होंगी वो मैं आपको पिक्चर के थ्रू दिखा दूंगा, क्योंकि कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, तो मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके वीडियो में ऐड कर दूंगा, तो आप पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। तो इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो बॉक्स पर आपको कॉन्टेंट देखने मिलता है, यहाँ पे 19 एंटी घोस्टिंग कीज देखने मिलती है, जो कि आपको गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसके अलावा बहुत सारे अदर फीचर्स भी आपको देखने मिलते हैं। बैकलाइट के साथ में एक कीबोर्ड आता है और बहुत ही अच्छे से आपको देखने मिलता है, बट कि आपको मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, मेम्ब्रेन कीबोर्ड आपको देखने मिलेगा, बट स्टिल काफ़ी अच्छी फील देता है। और इस कीबोर्ड को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और हम 2 महीने हो चुके हैं इस कीबोर्ड को यूज़ करते हुए, और मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। और जो भी डिसएडवांटेज एडवांटेजेस है वो इस वीडियो में पूरा एंड तक आपको बता दूंगा। वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए बेस्ट कीबोर्ड हो सकता है या फिर नहीं। और प्राइसिंग वगैरह की भी हम बात करेंगे और लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे इस कीबोर्ड को, अगर आप खरीदना चाहते हैं वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। टू सपोर्ट द चैनल आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे जल्दी से मैं जो है बॉक्स का कॉन्टेंट को खोल देता हूँ, बॉक्स में देखते हैं क्या मिलता है। वैसे तो ऑलरेडी मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ जस्ट सेक ऑफ ओ माई गॉड गाइस, देखिए कंपनी की तरफ से ऑलरेडी ये ऑन आया है, देख सकते हैं लाइट जल रही है। तो मैं जल्दी से इसको अनबॉक्स करता हूँ। बॉक्स कंटेंट की बात करता हूँ तो बॉक्स में आपको एक वारंटी कार्ड टाइप का मिलता है, जिससे आप एक्सटेंड करा सकते हैं अपनी वारंटी को। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा वेबसाइट पर। इसके अलावा 2 स्टिकर्स आपको देखने मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, ईवो फॉक्स करके बहुत ही अच्छे स्टिकर आपको देखने मिलते हैं। बॉक्स को हम साइड रखते हैं, कीबोर्ड की बात करते हैं। तो गाइस ये हमारा फाइनल आउटपुट कीबोर्ड निकल के आता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है। इसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कीबोर्ड के लिए अपने माउस पैड पर जगह मिल जाती है। अगर आपका कंबाइंड माउस पैड है तो उसमें बहुत ही अच्छे से आपको हेल्प करता है और बहुत ही अच्छे से आपको जो है जगह मिल जाती है अपने माउस को मूव करने के लिए, जिससे गेमिंग वगैरह काफ़ी ईजी हो जाती है। और आपको नम पैड नहीं देखने मिलता है, वो तो आप देख ही सकते हैं कि स्मॉल साइज्ड कीबोर्ड है और काफ़ी कॉम्पैक्ट देखने में लगता है। बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर टू प्राइस। लाइक प्राइस, इस प्राइस में मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको देखने मिलती है। इससे पहले मेरे पास इंटेक्स का कीबोर्ड था, वो कॉम्बो था एक्चुअली माउस और कीबोर्ड का। एक्चुअली ये माउस भी उसी का ही है जो मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी साल पहले लिया था, करीब 2.5 साल पहले। तो स्टिल माउस अच्छा चल रहा है, बट कीबोर्ड इतना अच्छा नहीं था। बट इसकी क्वालिटी अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी अच्छी आपको देखने मिलती है बैक से भी, पर सब कुछ प्लास्टिक ही, कंप्लीट प्लास्टिक का बना हुआ है। इवन हर एक चीज़ प्लास्टिक की आपको देखने मिलती है, ब्रांडिंग वगैरह। और ये आपको हिंज मिल जाते हैं, जो कि आपके कीबोर्ड को एक्सटेंड करने में मदद करेंगे, जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं और अच्छा आपको देखने मिल जाता है। इसके अलावा कीज़ की बात करता हूँ तो कीज़ भी आपको काफ़ी अच्छी देखने मिलती है। तो हर एक की मैं बात करूँगा, एक की मैं बात करता हूँ तो ये की आपको देखने को मिलती है। बेसिकली आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, बट थोड़ी सी चीप क्वालिटी आपको देखने मिलती है। ये थोड़ा सा चीप क्वालिटी का आपको देखने मिलता है हुक। तो मैं बोलूँगा कि इस तरीके का आपको कुछ देखने मिलता है की, तो की इतना कुछ ज़्यादा बेटर नहीं है, बट स्टिल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का देखने मिलता है एज़ कम्पेयर टू प्राइस। मैं प्राइस को दिमाग में रखते हुए आपको बता रहा हूँ कि प्राइस के हिसाब से अच्छा है कि नहीं। प्राइस के हिसाब से तो मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छी आपको क्वालिटी देखने मिल जाती है। गाइस अगर हम इसके RGBs की बात करते हैं या फिर बैकलाइट की बात करते हैं, तो बैकलाइट आपको काफ़ी अच्छी देखने मिलती है, कुछ इस तरीके की आपको देखने मिलती है रेन डिज़ाइन की। इसमें बहुत सारे मोड्स आपको नहीं देखने मिलेंगे, किसी भी तरीके से कस्टमाइजेशन आपको नहीं देखने मिलेगी, बट आपको एक चीज़ देखने मिलती है जो कि है ब्रीथिंग मोड। तो ब्रीथिंग मोड आपको देखने मिलता है इस कीबोर्ड के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा आपको लाइक फील देता है जब आप जो है यूज़ कर रहे होते कीबोर्ड को, तो काफ़ी अच्छी आपको देखने मिलती है। इसके अलावा आप जो है ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं इस कीबोर्ड की। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं कीबोर्ड की। और अगर मैं लाइट की बात करता हूँ तो लाइट आपको ठीक ठाक देखने मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि रात को आपको बटन्स या कीज जो है ढंग से दिखेंगे नहीं, ऐसा कुछ भी इशू नहीं आता आपको। तो मैं बोलूँगा कि ओवरऑल लाइटनिंग तो काफ़ी अच्छी देखने मिल जाती है। एक बार मैं लाइट को ऑफ करके दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से एक्सपीरियंस देखने मिलता है इस कीबोर्ड का। गाइस कंप्लीट डार्क में आपको कुछ इस तरीके से कीबोर्ड आपको देखने मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा ब्राइट और आपको काफ़ी अच्छे से लाइट्स देखने मिलते हैं। कोई भी इशू नहीं आएगा आपको यूज़ करते वक्त रात में इसको, तो मैं बोलूँगा कि गुड टू गो है। अगर आप जो है एक RGB लाइट ढूँढ रहे, बट
आपको इफ़ेक्ट से मतलब नहीं है, तो बिना इफेक्ट का अगर आपको कीबोर्ड चाहिए तो इट वुड बी ए बेस्ट चॉइस फॉर यू इन द प्राइस। तो गाइज अगर हम इसके टेप केबल्स की बात करते हो, केबल भी आपको काफ़ी अच्छी देखने मिलती है। इसके साथ ही साथ आपको गोल्ड प्लेटेड तो नहीं मिलता है USB, हाउएवर आपको ब्रेडेड केबल मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आपको देखने मिलती है। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आपको गोल्ड प्लेटेड से कुछ इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, स्पीड का कोई फ़र्क नहीं होता है या फिर लॉन्ग लास्टिंग अगर मैं बात करता हूँ तो, जंग वगैरह की भी ऐसी कुछ इशू नहीं आती है। जहाँ तक कि मैंने देखा है USB में बहुत ज़्यादा जंग वगैरह की तो इशू नहीं देखा है मैंने अभी तक। और ब्रेडेड केबल की बात करते हैं तो ब्रेडेड केबल आपको काम आ सकती है, चूहे वगैरह काट देते हैं, आपको पता ही है कंप्यूटर वगैरह में तो चूहे वगैरह का बहुत दिक्कत रहती है। तो मैं बोलूँगा कि रेडेड केबल काफ़ी अच्छी देखने मिल जाती है, केबल की लेंथ भी आपको इनफ मिल जाती है, कोई भी ऐसा इशू नहीं देखने मिलेगा आपको केबल से रिलेटेड। तो गाइस कुछ इस तरीके का इसकी की साउंड करती है, बट आप एक चीज़ नोटिस ज़रूर करेंगे कि जो स्पेस बार है स्क्विचिंग जैसी आवाज़ करता है, कुछ अलग ही तरीके की आवाज़ आती है इसके स्पेस बार में। तो बस एक यही कमी लगी मुझे साउंड से रिलेटेड कि यार इसमें थोड़ी सी स्पेस बार की अजीब सी आवाज़ आती है, वो चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ेगी। ओवरऑल आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने मिल जाता है साउंड के मामले में। गाइस अगर हम प्रॉन्स एंड कॉन्स की बात करते हैं इस कीबोर्ड की, तो सबसे पहले मैं एडवांटेजेस के साथ में जाता हूँ कि क्या क्या प्रॉन्स देखने मिलते हैं। सबसे पहला तो लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, जो कि इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉन्स आ जाता है। बहुत लोगों को जो है स्मॉल और कॉम्पैक्ट कीबोर्ड्स पसंद होते हैं और वो ढूंढ भी रहे होते हैं कि यार कॉम्पैक्ट कीबोर्ड मिल जाए। इंस्टाग्राम वगैरह पे भी बहुत सारे लोग देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट होते हैं शॉर्ट कीबोर्ड्स के, गेमर्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आजकल, तो लोग ढूंढते हैं कि यार कोई शॉर्ट कीबोर्ड मिल जाए सस्ते में। तो यार सस्ते में सबसे बढ़िया शॉर्ट कीबोर्ड तो यही है अब तक जब तक मैंने देखा है। 999 रुपये का रेट आपको देखने मिलेगा अमेज़ॉन पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको अपडेटेड रेट मिल जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस के साथ में। तो वहाँ से आके आप जो है इसको बाय कर सकते हैं, इससे क्या होगा सपोर्ट होगा चैनल को और आपको जो है अपना प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। तो गाइस इस प्राइस रेंज में सबसे बढ़िया कॉम्पैक्ट कीबोर्ड तो यही है मैं बोलूँगा, कॉम्पैक्ट अगर ढूंढ रहे हैं तो कॉम्पैक्ट के मामले में बहुत ही अच्छा है। दूसरा प्रॉन्स आ जाता है हमारे पास में कि यार इसके बटन काफ़ी अच्छे से काम करते हैं और आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं आती है जब भी आप कीज़ को दबाते हैं। एंटी घोस्टिंग कीज़ भी मिलती है तो गेमिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसके साथ साथ एक्सीडेंटल कीबोर्ड पे जो हमारी टाइप हो जाता है वो भी बहुत ही कम देखने मिलता है, कीज़ दबी होंगी जैसे कि आपको अदर मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स में होता है कई बारी, तो वो बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सीडेंटल कीज़ प्रेस हो जाती हैं, जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इनफ स्पेस है कीज़ के साथ में, तो कीज़ के साथ में जो इनफ स्पेस होता है उसकी मदद से काफ़ी अच्छे से आपको टाइपिंग हो जाती है और जो भी एक्सीडेंटल टाइप्स होते हैं वो आपके कम से कम होने की कोशिश हो जाती है इस कीबोर्ड में। तो गाइस जो एक्सीडेंटल टाइपिंग होती है वो काफ़ी कम होती है इस कीबोर्ड में, क्योंकि इसमें जो कीज़ के बीच में गैप आपको देखने मिलता है वो काफ़ी एक रियलिस्टिक सा गैप देखने मिलता है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, तो आपको इनफ गैप देखने मिलता है आपकी कीज़ पे काफ़ी अच्छे से, आपकी फिंगर्स के हिसाब से काफ़ी अच्छे से अडॉप्ट हो जाएगा ये वाला कीबोर्ड। थर्ड जो मैं प्रॉन्स बोलूँगा वो है इसका साउंड। साउंड मैकेनिकल तो नहीं है, काफ़ी हद तक फील देता है आपको मैकेनिकल, जब भी आप गेम खेलेंगे तो लगेगा कि हाँ भाई एक बढ़िया कीबोर्ड के साथ में आप गेमिंग कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा इमर्स कर देता है, एनहांस कर देता है आपकी गेमिंग को और आपको बहुत ही अच्छा लगता है इस कीबोर्ड को यूज़ करते वक्त। वो जो प्रॉन्स बोलूँगा कि यार इसकी लाइट जो है काफ़ी अच्छी है, आपको रात में काफ़ी अच्छे से यूज़ होती है, काफ़ी अच्छे से आपको काम भी आएगी, अगर आपको जो है रात में प्रोग्रामिंग करनी है या फिर और कुछ भी करना है तो वो आपको काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, रात को गेमिंग भी अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि लाइट बहुत अच्छी है और डेकोरेशन के साथ ही साथ जो है आपका एक लुक भी कूल लगता है, आपका सेटअप भी काफ़ी अच्छा कूल लगता है इस कीबोर्ड के साथ में। तो ये प्रॉन्स इसकी कीबोर्ड की हो जाती हैं। तो गाइस कॉन्स की बात करते हैं तो यार प्रॉन्स के साथ साथ कॉन्स भी होती है हर एक प्रोडक्ट के अंदर, तो इस प्रोडक्ट के अंदर भी आपको कॉन्स देखने मिलती है, वो क्या है। सबसे पहले तो नंबर पैड आपको नहीं देखने मिलता, ऑब्वियसली ये शॉर्ट साइज कीबोर्ड है, छोटा कीबोर्ड है, तो आपको इसमें जो है नंबर पैड नहीं देखने मिलेगा, एक मिसिंग हो सकती है नंबर पैड के साथ में। अगर आप जो ऐसे कीबोर्ड के साथ में आ रहे हैं या फिर आपने कोई और कीबोर्ड यूज़ किया था जो कि फुल साइज कीबोर्ड था और इसमें नंबर पैड भी होता था, तो यार 10-15 दिन एक महीने तक तो आप जो है मिस करोगे उस नंबर पैड को यूज़ करते वक्त, क्योंकि नंबरिंग जब भी आप करते हो जल्दी से तो उसमें आपको कुछ कुछ मिस हो जाती हैं कीबोर्ड से, फिर आपको ऊपर वाली 1, 2, 3, 4 कीज़ होते हैं, नंबरिंग कीज़ होती है, तो नंबरिंग कीज़ आपको ऊपर से यूज़ करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कभी कभी जब आपको कुछ टाइप करना होता है या फिर आप ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे होते हैं साथ ही साथ या फिर कुछ राइट करना होता है आपको, तो वो काफ़ी एक टफ टास्क हो जाता है इस कीबोर्ड के साथ में। जो दूसरी कौन सा है हमारे साथ में वो है कि यार कीज़ जो है वो थोड़ी सी चीप क्वालिटी मिलती है आपको
बाहर से तो अच्छी मिलेगी बट अंदर जो स्विच होते हैं वो काफ़ी चीप क्वालिटी का आपको देखने मिलते हैं। हो सकता है जल्दी ख़राब भी हो जाए बट ना भी हो। तो जैसे कि मैं बहुत टाइम से इसे यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक तो मुझे सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और नंबरिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी आपको देखने मिलती है हर एक की के ऊपर, अच्छी क्वालिटी की आपको देखने मिलती है। बेसिकली डुअल लेयर है शायद नंबरिंग इसकी, तो आपकी ये नंबरिंग वगैरह मिटेगी नहीं जल्दी से, जो कि एक बहुत ही अच्छी एडवांटेज भी है। इसके साथ साथ डिसएडवांटेज ये है कि यार चीप क्वालिटी स्विचेज आपको देखने मिलते हैं, तो यही आपको ध्यान में रखना है कि चीप क्वालिटी मिलेगी, अप टू द मार्क नहीं मिलेगी जो कि आप जो है 2200 या 3000 की कीबोर्ड से एक्सपेक्ट करते हैं। तो गाइस यही थी इसकी कॉन्स, और अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये कीबोर्ड लेना चाहिए या फिर नहीं। तो ध्यान से सुनना क्यों आपको ये कीबोर्ड लेना चाहिए। अगर आप एक कॉम्पैक्ट कीबोर्ड ढूंढ रहे हैं कम प्राइस के अंदर जो कि आपको एक गेमिंग करा दे साथ साथ राइटिंग भी करा दे टाइपिंग भी करा दे, तो मैं बोलूँगा कि यार ये टाइपिंग प्लस गेमिंग के साथ के अच्छा कीबोर्ड है। 999 रुपये में एक बेस्ट कीबोर्ड मैं बोल सकता हूँ अभी तक मार्केट में जो भी अवेलेबल है। नहीं तो आप इससे थोड़ा महंगा भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, 1700-2000 तक पहुँच जाते हैं कीबोर्ड। अगर आप एक और अच्छी क्वालिटी का कीबोर्ड देखते हैं तो मैं बोलूँगा कि यार 999 रुपये इज़ नॉट द वर्स्ट डील फॉर यू फॉर दिस कीबोर्ड, क्योंकि बहुत ही अच्छी फीचर्स भी आपको देखने मिलते हैं। उसके साथ साथ कॉम्पैक्ट जो सबसे एक मेन फीचर है कि कॉम्पैक्ट कीबोर्ड आपको देखने मिलता है गेमिंग वगैरह करते वक्त, काफ़ी अच्छा माउस पैड का साइज मिल जाता है आपको, माउस के लिए जगह काफ़ी अच्छी मिल जाती है जो कि एक बहुत ही एडवांटेज हो जाती है क्योंकि अभी गेमिंग में। तो मैं बोलूँगा अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए, थोड़ी बहुत आपको टाइपिंग करनी है, तो वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड हो सकता है आपके बजट के हिसाब से। मतलब लाइक 1000 रुपये का आपका बजट है कीबोर्ड को लेने के लिए, तो वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड होगा। सेटिस्फेक्शन रहेगा आपको इस कीबोर्ड के साथ में, किसी भी तरह से आपको ये नहीं लगेगा कि चीप क्वालिटी का कीबोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं। फील भी अच्छी आएगी मैकेनिकल जैसी, बट नॉट लाइक ऑफिशियली मैकेनिकल जैसी तो नहीं आएगी, बट हाँ मैकेनिकल जैसी आएगी, लाइक मैकेनिकल, राइट। तो मैं बोलूँगा कि यार काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है, आप जो है इसको बाय कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी तरीके से इशू आएगा तो मेरे को कमेंट करके बता देना, लाइक करते जाना वीडियो को अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है वीडियो। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, कोरोना से बचें, काफ़ी बढ़ता जा रहा है अगेन, तो बाय बाय, टेक केयर।